ग्वालियर में बीजेपी नेता के टेंट कारोबारी भाई को गोली मारने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने दो नाबालिग आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों से वारदात में बाइक और अवैध हथियार बरामद किए हैं। बता दें कि 12 फरवरी को हसीरा थाना अंतर्गत आरा मिल रोड पर दिन दहाड़े दो बदमाशों ने टेंट कारोबारी जितेंद्र छापरिया को गोली मार दी थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जितेंद्र बीजेपी नेता राहुल छापरिया का भाई है। पूछताछ में घायल जितेंद्र ने पुलिस को बताया कि कुछ दिनों पहले शिवरात्रि पर टेंट लगवाने को लेकर उसका दुकान के पास रहने वाले वीर सिंह राठौर नामक एक ग्राहक से विवाद हुआ था। इसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस को सूचना मिली कि जितेंद्र पर फायरिंग करने वाले बदमाशों को धौलपुर में देखा गया है। इसी के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए दोनों आरोपी नाबालिग हैं। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्हें वीर सिंह राठौर ने जितेंद्र को मारने की सुपारी दी थी, साथ ही उन्हें अवैध हथियार भी उपलब्ध कराए थे। थाना अजीरा में 3 दिवस पूर्व एक घटना हुई थी, जिसमें एक फरियादी के पीछे से दो अज्ञात हमलावरों ने पिस्टल से गोली मार दी थी। इनकी लगातार पतारसी की गई और उनको मुखबिर की सूचना के आधार पे हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपी बाल अपचारी हैं, नाबालिग हैं।